मंगल पांडे जी भी हैं। अब मैं आग्रह करता हूं आरा लोकसभा के प्रत्याशी और कमर प्रशासनिक अधिकारी रहे सीआरके सिंह जी से गुलदस्ता देकर के आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का स्वागत करेंगे। सीआरके सिंह जी ममेंटो दे रहा बाबू कुंवर सिंह का प्रतीक चिन्ह। सीआरके सिंह जी अंगवस्त्र देकर के सीआरके सिंह जी सम्मानित करेंगे आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को। अपना माला पहना करके अपने नेता नरेंद्र भाई मोदी जी को हम लोग सम्मानित करेंगे। देश के करोड़ों लोगों की आशा आकांक्षा का प्रतीक है नरेंद्र भाई मोदी जी को प्रयागराज आप लोगों को सम्मानित करेंगे। मंच पर विराजमान प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री मंगल पांडे जी, हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार श्री आरके सिंह जी, हमारे पुराने साथी श्री अमरेंद्र प्रताप जी, मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ महानुभाव विधायक बंधु भगिनी और भारत के भाग्य विधाता मेरे भाई और बहनों, मुझे बताया गया कि आरा में ऐसी कभी राजनीतिक सभा नहीं हुई है। इतना बड़ा मैदान करने कभी किसी ने हिम्मत नहीं की है। भाइयों बहनों, यही बताता है हवा का रुख क्या है। यह चुनाव कोई दल नहीं लड़ रहा है, यह चुनाव देश लड़ रहा है। यह चुनाव उम्मीदवार नहीं लड़ रहा है, ये चुनाव जनता जनार्दन लग रही है। भाइयों बहनों, जब चुनाव घोषित हुए थे तो मैंने कहा था कि आंधी है आंधी, और जैसे जैसे चुनाव निकट आ जाएगा, मतदान पास आएगा, ये आंधी सुनामी में बदल जाएगी। भाइयों बहनों, आज बिहार में 6 लोकसभा सीटों का मतदान चालू है, उसमें आज मेरे परम मित्र उपेंद्र कुशवाहा जी का भी भाग्य तय होने वाला है। और भाइयों बहनों, अब तक जो मुझे जानकारी मिली है, पोलिंग बूथों में जैसे मानो कमल की सुनामी आई है, कमल की सुनामी, पंखा बड़ी तेज गति से हिल रहा है। भाइयों बहनों, आज झोपड़ी भी अपना दम दिखाने वाली है। भाइयों बहनों, ये पॉलिटिकल पंडित टीवी पर एयर कंडीशन कमरों में बैठ करके चर्चा करते हैं कि किसकी कितनी बढ़ोतरी होगी, कितना कितना झुकाव बढ़ रहा है। कोई कहता है 2% इधर गया, कोई कहता है 3% इधर गया, कोई कहता है 2% इधर गया, कोई कहता है 1.5% ऊपर गया। ये 2%, 1.5%, 3%, 5% सारे लोग डिबेट कर रहे हैं। ये पॉलिटिकल पंडितों को मैं कहता हूं, डिबेट जब करनी हो करना,
ये जरा आरा का मैदान देख लो, ये चुनाव में अरिथमेटिक नहीं चलेगी। अरिथमेटिक के जोड़ तोड़ से जो चुनाव के नतीजे खोज रहे हैं उनके सारे नतीजे गलत निकलने वाले हैं। ये चुनाव अरिथमेटिक का नहीं है, ये चुनाव केमिस्ट्री का है। 125 करोड़ देशवासियों की केमिस्ट्री इस बार चुनाव का नतीजा तय करने वाला है। एक में एक मिलता है तो अरिथमेटिक कहता है दो होते हैं, लेकिन एक के बगल में एक खड़ा हो जाता है तो चुनाव की केमिस्ट्री कहती है 11 हो जाता है।